एग्जाम एक ऐसा शब्द है जो हर छात्र जीवन का सबसे क्रूशियल एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम होता है, चाहे छात्र कितना भी होनार क्यों ना हो। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ एग्जाम रिलेटेड बहुत ही महत्वपूर्ण स्ट्रेटजी इवन सजेशंस शेयर करने वाली हूँ। उम्मीद है कि आपके लिए ये जानकारी बहुत ही उपयोगी सिद्ध होगी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आफ्टर द क्वेश्चन पेपर इज रिसीव्ड फर्स्ट रीड इट केयरफुली। ओके, फर्स्ट वन, क्वेश्चन पेपर रिसीव होने के पश्चात और स्टार्ट करने से पूर्व बिना किसी हड़बड़ाहट के क्वेश्चन पेपर ध्यानपूर्वक पढ़ें। इससे ये होगा कि आप फुली स्ट्रेटजी तैयार कर पाएंगे कि आपको अपना प्रेजेंटेशन कैसे और कहां से स्टार्ट करना है। इजंट इट? सेकंड पॉइंट इज ओके, फर्स्ट इफेक्ट इज लास्ट इफेक्ट, दैट मीन फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कौन सा क्वेश्चन पहले अटेम्प्ट करें, लेकिन यहाँ ध्यान रखने योग्य बात यह है कि जिस क्वेश्चन से भी स्टार्टिंग करें वह आपके द्वारा वेल परफॉर्म्ड होना चाहिए। थर्ड पॉइंट इज ओके, आंसर कंटेंट वेस्ट। ओके, कि कंटेंट वेस्ट आपका आंसर होना चाहिए। ओके, जैसे कि अगर आपसे आम पूछा गया है तो आंसर आपका इमली नहीं होना चाहिए। आई एम जोकिंग। ओके, दैट्स मीन जितना और जो पूछा जाए सिर्फ उसी पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए अपना आंसर फ्रेमवर्क करें। नंबर फोर्थ पॉइंट, हाईलाइटेड द आंसर, दैट्स मीन कि विशेष शब्दों रिगार्डिंग कोटेशंस एंड रिलेटेड ऑथर नेम सही सही लिखें और उन्हें विद इन डबल इन्वर्टेड कॉमा एंड अंडरलाइन अवश्य करें ताकि एग्जामिनर की नजर इस पर अवश्य पड़े। नंबर फिफ्थ, प्लीज ध्यान दीजिएगा क्योंकि मोस्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स ये गलती अवश्य ही करते हैं। अटेम्प्ट ऑल द पार्ट्स ऑफ ए क्वेश्चन इन वन प्लेस, कि क्वेश्चन के सभी पार्ट्स को एक ही स्थान पर करें। फॉर एग्जाम्पल कि अगर लॉन्ग क्वेश्चन के 3 पार्ट्स हुए उसमें से 2 पार्ट्स आपको आते हैं एक नहीं आता, तो आप 2 अटेम्प्ट वहीं कर दें और बाकी जो नहीं आता है उसके लिए वहां स्पेस मेंटेन कर दें। बाद में लौट कर आए फिर उसे जरूर अटेम्प्ट करें, जो लिख सकते हैं उसे अवश्य लिखें। इसके 3 बेनिफिट्स होंगे। फर्स्ट, एग्जामिनर ड्यूरिंग कॉपी इवैल्यूएशन इरिटेट नहीं होगा क्योंकि उसे आपका आंसर सर्च नहीं करना पड़ेगा। नेक्स्ट वन, दूसरा, आपका कोई भी क्वेश्चन मिस होने का चांस नहीं होगा। एंड थर्ड वन, आपका कोई भी आंसर नॉन इवेल्युएट होने से बच जाएगा। एंड माय सिक्स्थ पॉइंट इज लीव नो क्वेश्चन, चाहे आपको आता हो या ना आता हो कुछ ना कुछ अवश्य ही लिखें, बिकॉज समथिंग इज बेटर देन नथिंग। अंडरस्टूड? 7 इम्पॉर्टेंट पॉइंट विल बी डोंट बी ओवर स्मार्ट। हाउ? फर्स्ट वन, रिक्वायर्ड वर्ड लिमिट का अवश्य ही ध्यान रखें। सेकंड वन, कि क्वेश्चन में नहीं का विशेष ध्यान रखें। हड़बड़ी में मोस्टली स्टूडेंट्स ये मिस्टेक करते ही हैं, इसलिए क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने से पूर्व एक ध्यानपूर्वक अवश्य पढ़े। नेक्स्ट वन, नंबर थर्ड, रिलेटेड राइटर्स एंड कोटेशंस सही सही लिखें, एग्जामिनर को मिसगाइड करने का प्रयास ना करें क्योंकि एग्जामिनर काफी एक्सपीरियंस्ड होते हैं लाइक मी। गिव स्पेस बिटवीन 2 आंसर्स। फर्स्ट वन, प्लीज ऐसा जरूर करें, नहीं तो मे बी आपका कोई आंसर इवेल्युएट होने के लिए मिस हो सकता है। नेक्स्ट वन, कि हेयर आई वुड लाइक टू सजेस्ट यू दैट इफ पॉसिबल कि नया आंसर नए पेज से ही स्टार्ट करें, इफ नॉट पॉसिबल तो एक आंसर फिनिश होने के बाद नीचे डिस्टेंस मेंटेन करने के लिए एक लाइन जरूर ड्रॉ
कर दे। नंबर 9, ओके, एंड दैट्स आल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि मोस्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स ये मिस्टेक अवश्य ही करते हैं। पार्ट्स के अकॉर्डिंग क्वेश्चन नंबर, सीरियल नंबर, सीरीज नंबर बिल्कुल एक्यूरेट सही सही डालें। दैट्स मीन कि अपने हिसाब से क्वेश्चन का सीक्वेंस एडजस्ट या चेंज नहीं करें, ओके, नहीं तो आपके मार्क्स पर इसका नेगेटिव इंपैक्ट पड़ सकता है। 10th पॉइंट आल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ओके, कि मस्ट रिवाइज, दैट्स मीन अपने क्वेश्चन पेपर के आंसर के लिए इस तरह से प्लान करें कि लास्ट मिनट्स आप अपनी फुल आंसर शीट को रिवाइज अवश्य ही कर सके, सेल्फ इवैल्यूएट करके यथासंभव समय में रिगार्डिंग एंड रिक्वायर्ड करेक्शंस ऐड कर सके, बिकॉज रिवीजन इज द की फॉर आवर सक्सेस। नाउ टॉकिंग अबाउट रिगार्डिंग एग्जाम टिप्स, ओके, एज बोनस पॉइंट, राइट विद मेमोरी, लिख कर याद करें, क्योंकि ये आपके लिए मोर बेनिफिशियल होगा, क्योंकि ये साइकोलॉजिकल प्रूफ्ड है कि रटने की अपेक्षा लिख कर याद करने से हमारी मेमोरी पावर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। ट्राई टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट इंस्टेड ऑफ रट्टाफिकेशन, दैट्स मीन रटने की बजाय कंसेप्ट समझने का प्रयास करें, कि इसके दो बेनिफिट्स होंगे। फर्स्ट वन, इससे आप खुद भी अपना आंसर डिजाइन कर सकते हैं, फ्रेमवर्क कर सकते हैं। सेकेंड वन, क्वेश्चन क्लियरली मेंशन ना भी होने की स्थिति में आप उसमें कुछ ना कुछ अवश्य ही अपने नॉलेज के हिसाब से करके आएंगे। प्रैक्टिस राइटिंग इन ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग, ओके, कि हस्तलेख आपका रीडेबल, नीट एंड क्लीन, अगर दूसरे शब्दों में कहें तो सुंदर होना चाहिए। इसके लिए लिखने का अभ्यास करें, क्योंकि ये एग्जामिनर के माइंड को पॉजिटिवली बूस्ट अप करता है। डू नॉट थिंक टू यूज इम्प्रॉपर मीन्स इन कॉपी एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन, दैट्स मीन कि कॉपी में अनुचित साधनों का प्रयोग करने के लिए ना सोचें। वीक स्टूडेंट्स होते हैं या जिनकी प्रिपरेशन बढ़िया नहीं होती है, कि अपनी आंसर शीट में एक फरियादी नोट लगाकर साथ में 100 या 500 का नोट पेस्ट करके एग्जामिनर से पास करने की गुजारिश करते हैं। इसके नुकसान है कि पहले आपका इकोनॉमिकल लॉस होता है, सेकंड वन कि ये पैसा एग्जामिनर तक नहीं पहुंच पाता, थर्ड वन रुपए गवाने के बाद भी आपको पॉजिटिव रिस्पांस मिलेगा इसकी कोई गारंटी नहीं होती, तो प्लीज ऐसा बिल्कुल ना करें। आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।